हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि हम ग्रेनाइट का पिलर बना चुके हैं, जो 10 ब्राउन ग्रेनाइट है उस चीज़ का हम पिलर ना कुछ इस टाइप से बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना, शुरू से हम इसको किस हिसाब से बनाए दोस्तों। जैसे कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर से हम इसको हम 4 इंच बाहर रखे हैं, और 4 इंच बाहर रखने के बाद ये जो हम पत्थर लगाए हैं, एक टेपर करके लगाए हैं, और दूसरा जो ये पीस हम लगाए हैं, ठीक ना, तो इंटरल आपको सावल में लगाना होगा। सावल में नहीं लगाने से आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी, क्योंकि चारों पीस लगना है, ठीक ना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सावल आप कीजिए, सावल पे लेवल वाटर लेवल भी कर सकते हैं, ठीक ना, जो हाथ लेवल होते हैं, और सावल भी आप सावल से चेक करके आप इसको लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो चीज़ है, ये हम कलम काट के लगाए हैं, और ये जो कलम हम काटे हैं ना, तो ये हम फर्मा में काटे हैं। जो हाथ से आप कटिंग करोगे, जैसे कि टाइल्स का कटिंग करते हो, उस हिसाब से करोगे तो आपका सही सेटिंग नहीं आएंगे, ठीक ना। तो आप फर्मा में कटिंग कर सकते हैं, फर्मा में कटिंग करने के बाद इसको आप कलम में लगा सकते हैं। और ये जो मोल्डिंग है, आप देख ही सकते हो, मोल्डिंग एक डबल मोल्डिंग लगा हुआ है, 2 सिंगल मोल्डिंग लगा हुआ है, ठीक ना। टोटल कलम काटा हुआ है, कलम काटने से बहुत बेहतरीन लगती है देखने में। और ये जो पीस है, ये वाला भी मेरा 4 इंच अंदर है, ठीक ना। हम ग्रेनाइट लगाने से पहले हमको पिलर बनाना होता है, जो होना प्लास्टर का बनाना होता है ना, वो पहले ही हमको बनाना होता है, ठीक ना, उसके बाद ये ग्रेनाइट लगते हैं, ठीक है। तो वो पहले हमारा जो खाँचा है, खाँचा पहले हमको बना लेना होता है, फिर ये लगती है इस टाइप से, ठीक ना। तो आप देख ही सकते हो, बहुत बेहतरीन लगती है, ठीक ना। और ऊपर इधर तो अभी ऊपर का फाइनल नहीं हुआ है, उस टाइम फाइनल हो चुका है। एक दूसरे हम पिलर दिखाते हैं आपको, इस तरफ आ जाइए, ठीक ना। यहाँ पर जैसे कि उधर आप देख लिए, 2 सिंगल पट्टी और एक डबल मोल्डिंग, ठीक ना। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखेंगे, एक सिंगल पट्टी भी दिखेंगे, और जो कि ऊपर में जो गोला देखते हैं आपको, ठीक ना, तो ये 4 इंच का मेरा गोला है, ये पत्थर का गोला 4 इंच का है। और हम यहाँ पर जो 4 इंच बढ़ाए हैं, तो 5 पत्थर को उसको हम अर्लाइट से चिपका करके उसको रख दिए एक दिन पहले। उसके बाद हम क्या किए हैं, ग्रेंड किए हैं, मोल्डिंग किए, ठीक ना, थोड़ा गुलाई किए हैं। गुलाई करने के बाद है ना, उसको बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से है ना, उसको फिर हम बैठाइए, ठीक है भाई। और जो कलम काटने में दिक्कत होंगी, पर आपको ग्लेंडर रखना जरूरी होगा, ग्लेंडर से ही फिनिशिंग होंगे, ठीक। तो और अच्छे से इसको पॉलिश करना, पॉलिश करने के बाद ही रिजल्ट आते हैं, लगाने के बाद ही। जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेंगे, ठीक। तो और आपको तो हम ये वीडियो दिखाई दिए, अब हम आपको ले चलते हैं तीसरा वीडियो में, जो है ना अगला वीडियो मेरा फाइनल हो चुका है बुर्जी, थोड़ा सा काम बाकी है। तो वो जो पिलर है हमारा, ये है, तो आप इस पिलर में देख सकते हो, एक टोटल पिलर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मेरा जो ऊपर में बनेंगे झोपड़ी, अभी झोपड़ी बनना बाकी है, वैसे पिलर इन टोटल तैयार हो चुका है। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हो, ये पिलर इन टोटल फाइनल हो चुका है। अब शुरू में कैमरा दिखाइए आप भाई, देखो इन टोटल कलम बाई कलम। और जो जॉइंट आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आपको लग रहे हैं, जब फिनिशिंग नहीं हुआ है, इसमें ग्लेंडर मारा जाएगा, ठीक ना, ग्लेंडर से पॉलिश भी होंगे। अभी ये सब काम बाकी है, उसे लग चुका है इन टोटल ही, ठीक ना। और देख ही सकते हो, ऊपर में गोला लग चुका है, गोला लगने के बाद जो ऊपर है, फिर 2 सिंगल पट्टी लगा हुआ है, और उसके बाद सबसे ऊपर जो है आखिरी में वो डबल मोल्डिंग लगा हुआ है, ठीक ना, बहुत बेहतर लगते हैं देखने में। और सबसे ऊपर जो लगेंगे वो झोपड़ी बनना है, ठीक है। और देख ही सकते हो, ये टोटल है ना, आपको होना 5 इंच बाई 5 इंच है ना, ये वाला जो खाँचा है रखना होंगे, 5 इंच बाई 5 इंच रखोगे, फिर ही चारों तरफ से है ना देखने में अच्छा लगेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है, आप 4 इंच ही अंदर रखें, 3 इंच भी रखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक ना, ये 4 इंच रखें, ये 3 इंच भी रखोगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और जितना भी मोल्डिंग है, आप लोग मोल्डिंग, एक जो पत्थर है, पत्थर का मिटाई देख लो, 1.5 इंच है कि 1 इंच है, उतना ही आपको मोल्डिंग बाहर रखना होगा, उतना ही रखोगे तो मान लो माइनस प्लस, ये वाला जो है, इधर से भी आपको उतना ही दिखेंगे, इधर से भी उतना ही दिखेंगे, तो बराबर दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे, ठीक है। और डबल मोल्डिंग भी आपको जैसे कि उतना नहीं रखना होगा, जितना डबल मोल्डिंग मोटा है, फिर नहीं, फिर एक पत्थर ही रखना होगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, आप थोड़ा दूर से दिखा दीजिए भाई साहब, ठीक है, शुरू से नीचे से लेकर ऊपर तक दिखा दीजिए, कुछ इस टाइप से बना हुआ है। अभी जब बुर्जी फाइनल हो जाएंगे, ऊपर में झोपड़ी उपड़ी बना के, फिर आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा, ठीक ना। तो तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करके जाए, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं बाद में आपके साथ।